में कहूँ तो अमेजिंग। मुझे भी देखना है पीकॉक। अरे वो देखो, एक और कलरफुल बर्ड। वो एक हॉर्नबिल बर्ड है। यहाँ की एयर भी कितनी क्लीन है, बिल्कुल रिफ्रेशिंग फीलिंग आ रही है। हाँ, लेकिन बहुत सारे ह्यूमंस आकर जंगल को गंदा कर देते हैं, जिससे इसकी ब्यूटी खराब हो जाती है। जंगल के जगमग से जगमगा के तुम सब भग भगा गए हो। सर, कोड वर्ड में कह रहे हैं कि हमें यहाँ एक फोटो खिंचवानी चाहिए। कीको, थोड़ा सेंटर में आने का मेयर जी, कॉर्नर टोनी आ गया हो। टेम्पो अन्ना, आप भी तो आइए। हम भी आता। एरिया ऑफ मंकू बंकू। ये मंकू बंकू क्या है? मंकू बंकू एक बहुत बड़ा मंकी मैन है, बिल्कुल किंग कॉन्ग के जैसा। और ऐसा माना जाता है कि उसके चार हाथ हैं। जो भी इस जंगल में मंकू बंकू के एरिया में गया, वो कभी लौट के वापस नहीं आया। अरे ट्विंकल बेटा, ये सब बच्चों को डराने के लिए एक स्टोरी है। मैं मंकू बंकू जैसी चीजों में बिलीव नहीं करता। हाँ तो मेयर अंकल, आप डेंजर जोन में जाकर दिखाएंगे। ईश, देखो बेटा, मैं नहीं चाहता कि मंकू बंकू को मैं हार्म करूँ। क्योंकि अगर मुझे गुस्सा आया तो मंकू बंकू की खैर नहीं। हाँ, अगर झूठ बोलूँ तो मेरी जेब से कोई जानवर निकले। जरूर झूठ ही बोला होगा। ऐसी बच्चों की स्टोरी से मैं भी नहीं डरता। मैं बहुत ब्रेव हूँ, मंकू बंकू कुछ नहीं होता। चिमनी से निकलता स्मोक है, टोनी बॉसर पोक है। टोनी का मुक्का हुड़ हुड़ हुक्का। वाओ, इस पपी के लिए सिर्फ एक वर्ड है, क्यूट। आज से इसका नाम है जंपी। वाओ ट्विंकल, जंपी बड़ा ही प्यारा नाम है। कुछ खा लेता हूँ और जंपी को भी खिला देता हूँ। अगर इसके गले में कलरफुल कॉलर होता तो जंपी और भी क्यूट लगता। लग रहा है ना ये और भी क्यूट। टोनी, फ्रिस्बी फेंको, जंपी उसे अपने मुंह से कैच कर लेगा। टोनी का मजाक उड़ाया, वो भी एक पपी के लिए। अभी मजा चखाता हूँ। जंपी, नो! ओह माय गॉड, हो गई ना वन वर्ड में मुसीबत। टोनी, ये तुमने क्या किया? तुमने फ्रिस्बी इतनी दूर क्यों फेंकी टोनी? सॉरी, मैं फेंकना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूं, मैं इतना स्ट्रांग हूं कि फ्रिस्बी अपने आप इतनी दूर चली गई। कितनी देर हो गई, अब तक जंपी वापस नहीं आया। हमें जाके चेक करना चाहिए। ट्विंकल इज राइट, हमें जंपी को ढूंढने जाना चाहिए। लेकिन वो मंकू बंकू का एरिया है, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। बहुत ज्यादा से भी बड़ा खतरा हो सकता है। खतरा तो है, लेकिन जंपी हमारा फ्रेंड है, उसे हम ऐसे खतरे में नहीं छोड़ सकते। कीको सही कह रहा है। डोडो, मैं और कीको जाते हैं, तुम हमारा यही वेट करो। मैं भी तुम्हारा फ्रेंड हूँ, जहाँ मेरे फ्रेंड्स जाएंगे वहाँ मैं भी जाऊँगा। हाँ, डेंजर का सिग्नल है,
हमें जल्दी चलना चाहिए। उरी मुरी मदर, बचा लेना। अब ये डेंजर एरिया में जाएंगे और हमेशा के लिए इस जंगल में खो जाएंगे। इस जंगल के सन्नाटे में सनसनाते हुए सायरन के सुने सुनाए लोग कहाँ गए? सर पहले मैं पूछ रहे हैं कि रात होने वाली है, किको, ट्विंकल और डोडो कहाँ गए? झटपट अंकल, वो लोग उस तरफ गए हैं। ठीक है, मैं फटाफट उन्हें ढूंढ के सटासट लाता हूँ। इतना बड़ा स्पाइडर! क्या तुम लोगों को लगता है कि जंपी इतनी दूर आया होगा? इस जंगल के लिए वन वर्ड है, स्केरी। बहुत, मतलब बहुत से भी ज्यादा वाला स्केरी। स्काफ यहाँ है, लेकिन जंपी क्यों नहीं दिखाई दे रहा? ओरे मोरे मदर, अब क्या करेंगे? मुझे डेंजर एरिया में और आगे जाना होगा, शायद जंपी किसी खतरे में है। सुनो, तुम लोग यही मेरा वेट करो, मैं चेक करके आता हूँ। नहीं किको, हम तुम्हें अकेले नहीं जाने देंगे। फ्रेंड्स डेंजर में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते, इसी को वन वर्ड में फ्रेंडशिप कहते हैं, क्यों डोडो? हाँ हाँ, ट्विंकल सही कह रही है। अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, हम सबको डेंजर एरिया में साथ रहना होगा, ओके? ओरी मोरी मदर, ये जंगल तो बहुत ज्यादा स्केरी है। R7 में डेंजर लोकेशन तो यही की है, कुछ तो खतरा है, लेकिन कहाँ? तुम दोनों इतने चुप क्यों हो? किको! मंकू, हम तुम्हें हार्म करने नहीं आए हैं, हम बस जंपी को ढूंढने आए हैं। किको, ये हमारी लैंग्वेज नहीं समझेगा। सारे एनिमल्स लव और रिस्पेक्ट की भाषा समझते हैं ट्विंकल, अगर इसे लगेगा कि हम इसे परेशान करने नहीं आए हैं, तो ये तुम दोनों को छोड़ देगा। मंकू बंकू से ऐसे निपटना बहुत मुश्किल है। सुपर स्पीडो को बुलाने का टाइम आ गया है, रफ्तार पे रफ्तार R7 से निकले सुपर स्पीडो कार। सुपर स्पीडो, उस मंकू बंकू ने ट्विंकल और डोडो को पकड़ लिया है, हमें उन दोनों को छुड़ाना होगा। अचानक इतनी शांति कैसे हो गई? मंकू बंकू कहाँ गया? शायद सुपर स्पीडो की स्पीड से वो कोप अप नहीं कर पाए। सॉरी किको, जरा जल्दी बोल दिया। एक काम करता हूँ, पूरी फोर्स लगा के इसे जोर से हिट करता हूँ। नहीं सुपर स्पीडो, हम किसी एनिमल को हार्म नहीं कर सकते, और वैसे भी हम उसके घर आए हैं, वो हमारे घर नहीं आया है। जल्दी फॉर्मूला नंबर 37 लगाओ। ओ डूड, उस मंकू ने ऐसा घुमाया कि मैं भी चक्कर में पड़ गया। बट फिकर नॉट, अप्लाइंग फॉर्मूला 37।
पता नहीं मंकू बंकू मेरे फ्रेंड्स को लेकर कहाँ गया होगा। मेरी वजह से वो दोनों डेंजर में आ गए हैं। डोंट वरी किको, तुम उदास मत होना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो तुम ही बताओ सुपर स्पीडो, ऐसे खतरनाक जंगल में हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे? पता नहीं कौन सा फॉर्मूला यूज करूं। एक आइडिया है किको। क्या? जल्दी बताओ सुपर स्पीडो। जब मंकू मंकू चलता है तो जमीन बहुत वाइब्रेट होती है। मैं वाइब्रेशन मीटर से ये पता लगा सकता हूँ कि कौन सी वाइब्रेशन कितनी दूर से आ रही है। वाओ बड़ी, जल्दी पता लगाओ। मिल गया किको। देखो, मैंने इसकी सेटिंग्स ऐसे कर दी थी कि ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस पकड़े। जहाँ से वाइब्रेशंस आ रही है वो पोजीशन मैप में लॉक हो गई है। अब हम जैसे ही नजदीक होंगे ये ग्रीन लाइट हमें इंडिकेट कर देगी। तो जल्दी चलो सुपर स्पीडो, हमें अपने फ्रेंड्स को बचाना है। ये जंगल डेंजरस होने के साथ साथ कितना ब्यूटीफुल भी है। अगर मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ होते तो हम कितना एंजॉय करते। फिकर नॉट, हम जल्दी उनको ढूंढ लेंगे, फिर हम सब साथ मिलकर एंजॉय करेंगे। देखो किको, ग्रीन सिग्नल ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब कि हम नजदीक है। सारा सामान किसका हो सकता है? हाँ? 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 ट्विंकल, दोडो, उठो, मैं, किको। थैंक्स किको, तुम हमें बचाने आ गए। कितनी देर से मैंने कुछ खाया नहीं है। चलो यहाँ से निकलते हैं। लेकिन जंपी अभी तक नहीं मिला, हमें उसे ढूंढना चाहिए। वो देखो, केव के उस तरफ से लाइट आ रही है, वहाँ चलकर देखते हैं। मंकू बंकू के आने से पहले यहाँ से निकलना होगा। सुपर स्पीडो, ये केस कभी भी गिर सकती है, हमें पहले यहाँ से बाहर निकलना होगा। ओके किको। एक्टिवेटिंग फॉर्मूला 66। किको, मुझे वाटर टेबल तक पहुंचने में टाइम लगेगा। अब हम इस मंकू पंकू को कैसे हराएंगे?
डोंट वरी बड़ी, तुम जल्दी वाटर टेबल तक पहुँचो, मंकू बंकू को मैं देखता हूँ। यहाँ हो तुम, इन फैक्ट ओवर स्मार्ट। अंधेरे में चिराग तले अंधेरा करने वाले तुम्हारे चिराग से चमचमाते हुए चढ़ चढ़ाते हुए तेल कैसे खत्म हुआ? सर पहले मैं पूछ रहे हैं कि तुम इस जंगल में इतने दिनों से क्या कर रहे थे? मैं इस जंगल से पेड़ काट के उसके वुड को बाहर ज्यादा कीमत में बेचता था, और उन ट्रीज को काटने और सेफ रखने के लिए इन लोगों से काम करवाता था। हमें बचाने के लिए थैंक यू बच्चों। ये सारे लोग बर्म्यूडा जंगल घूमने आए थे और मैंने इन्हें पकड़ के कैद कर लिया था। वही मैंने भी सोचा कि एक मंकी आखिर ह्यूमंस को कैप्टिव बना के क्यों रखेगा। जब आपने वो जलती हुई मशाल मेरी ओर फेंकी तब मुझे शक हुआ, क्योंकि सारे एनिमल्स तो फायर से डरते हैं। फिर जब मैंने आपको किक मारी तब उस मेटालिक साउंड से कंफर्म हो गया कि मंकू बंकू कोई एनिमल नहीं है। अच्छा है, अच्छा है, अब हम भी इसे जेल में कैद करके रखेंगे तब पता चलेगा इसे। हाँ, 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 हाँ। अब हम अपने घर वापस जा सकते हैं। हाँ, और मैं मम्मी के हाथ का खाना खा सकता हूँ। इसी बात पे मैं कुछ खा लेता हूँ और तुम भी। अब इस जंगल में सब आराम से मजे कर सकते हैं। हाँ, मैं तो पहले ही कहता था कोई मंकू बंकू नहीं है, और अगर ये शमशेर मेरे हाथ लग जाता तो मैं इसे घुमा घुमा के ऐसा मारता कि लकड़ियाँ काटना भूल जाता। हाँ, अगर झूठ बोलूँ तो मेरे सिर पर लकड़ी गिर जाए। ईश।